आपके आधार का कंप्लायंस नहीं हो पाया। कहाँ व्यवहार थे, बुलाइए यहीं से जेल भेजेंगे दोनों। सर आइए, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती मिस्टर बीओ, ये कोर्ट है, कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला तो यहीं से जेल भेज देंगे, नौकरी से भी निकलवा देंगे। यू आर बीइंग सेंट टू जेल, क्या कहना है आपको जेल भेजने, क्या सॉरी, आप हाईकोर्ट को मजाक समझते हैं। कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस नहीं हो पाया। रेस्पॉन्ड नंबर 3 और 4 मैं लूँ। कहाँ व्यवहार थे, बुलाइए यहीं से जेल भेजेंगे दोनों। इधर आइए, बीओ कौन है इसमें से, इधर आइए, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती। जी सर, मुझे जानकारी में नहीं था। क्या जानकारी में नहीं था? ये कि इसके आदेश मिला हुआ है, मुझे पहले भी नहीं। ये फिर आपने इनके मार्गदर्शन में आप भी आइए। जी सर, बीओ प्रिंसिपल कौन है, आपने इनसे मार्गदर्शन मांगा था? जी मांगा था, मांगा ना मैंने। आप इनका सर मुझे संदेश प्राप्त हुआ 11-9 तारीख को सर मधुस्ते। देखिए मिस्टर बीओ, ये कोर्ट है, कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला तो यहीं से जेल भेज देंगे, नौकरी से भी निकलवा देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप पे के माध्यम से दिनांक इतने इतने को बीओ ग्रुप में निर्देश प्राप्त हुआ कि स्थान प्राप्त कर्मचारी को भी कार्यमुक्त किया जाना है। आपने ये मैसेज किया कि नहीं किया? हम किया, किया किया ना जी सर। यू आर बीइंग सेंट टू जेल, क्या कहना है आपको जेल में, क्या सॉरी, आप हाईकोर्ट को मजाक समझते हैं, हाईकोर्ट या इंग्लिश नहीं समझते। जब ट्रांसफर ऑर्डर इससे हो गया तो उसके बाद आपने कैसे कहा कि रिलीव कर दिया जाए? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं था ये। क्या नहीं जानकारी में? इसके ऑर्डर का जैसे मैंने भाई, इन्होंने मार्गदर्शन किस बात का मांगा आपसे? जी सर, मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। जिस दिन दूसरे दिन ही मैंने, आपने मार्गदर्शन क्या मांगा? दोनों जन खड़े होके अलग अलग बातें कर रहे हैं। मेरे से कोई जानकारी नहीं पूछी गई है। मैंने जैसे मैसेज किया था कार्यमुक्त कर, दूसरे दिन मुझे पता चला कि इनका स्टे ऑर्डर है, तो मैंने तत्काल बोल दिया कि स्टे आदेश के परिप्रेक्ष्य में इनको तत्काल ज्वाइन कर। सर मेरे पास मैसेज है सर, दूसरे दिन सर पेज नंबर 14 पे इनका मैसेज पूरा मैंने मेंशन किया, आप देखें सर इसमें क्या लैंग्वेज लिख रहे हैं। पेज नंबर 14 ये देखें आप, ऊपर से ही लाइन है, स्थानांतरित कर्मचारियों को। ये है क्या मिस्टर पोलवाल, आप दो शांति रखो मिस्टर पोलवाल, ये पेज 14 पे, पेज 14 पे इनका व्हाट्सएप मैसेज है जिसके कारण मिस्टर कुशवाहा, दिस इज कंटेंप्ट, वी डोंट नीड योर असिस्टेंट, वी विल डील, वी नो हाउ टू डील विद द कंटेंप्टर्स, दिस इज कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। यस, ये मैं लोग पेजराकरण होने तक उसका वेतन नहीं निकाले। आज दिनांक को जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के विधि अधिकारी द्वारा ऐसे निर्देश मिले हैं, सभी संकुल प्राचार्य ध्यान देवे व आपको प्राप्त स्थगन को वरिष्ठ कार्यालय को तत्काल भेजे, परंतु संबंधित ट्रांसफर अधिकारी के नाम हो ऐसे आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, उनका वेतन निराकरण होने तक पेंडिंग रहेगा। ये आप डिस्प्यूट करना मिस्टर सोलंकी, ये जो पेज 14 पे इसको डिस्प्यूट करते हैं, आपने ये मैसेज किए? जी सर, पर ये बताइए हाई कोर्ट से ऊपर है आपके कमिश्नर हो रही है, फिर ये मैसेज आपने क्यों किए कि जब तक जिन्होंने ट्रांसफर जारी किया उनके निर्देश के बिना? ये वरिष्ठ, वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा बोला था, मेरी जानकारी मार्गदर्शन मांगा था तो उन्होंने। किसने बोला था, आप नाम बताइए, आई विल कॉल हिम ऑल्सो, कमिश्नर या किसने बोला? सुदीप दास सर, डीओ साहब। चलिए नेक्स्ट डेट पे डीओ को भी हाजिर रखेंगे और तब तक ये ऑर्डर ही विल बी अलाउड टू कंटिन्यू।